वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 अक्टूबर से भारतीय टीम घरेलू वनडे सीरीज खेल रही है। ऐसे में शुरुआती दो वनडे मैचों के लिए टीम का ऐलान भी हो गया है, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि दो वनडे के बाद जो बचे हुए तीन वनडे मैच होंगे उसमें टीम इंडिया की नई बैटिंग सेंसेशन पृथ्वी शॉ को भी मौका दिया जा सकता है। जी हाँ, खबरों की माने तो यहाँ पर पृथ्वी शॉ को टीम मैनेजमेंट तीसरे ओपनर के विकल्प के तौर पर ढूंढ रही है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर विराट कोहली बीसीसीआई के साथ मिलकर रोहित शर्मा या शिखर धवन में से किसी एक को एक सीरीज के लिए ड्रॉप कर सकते हैं और उन्हें आराम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई और विराट सभी चाहते हैं कि उनके सभी ओपनर्स तरोताज़ा होकर वर्ल्ड कप में उतरें। ऐसे में रोहित शर्मा को भी बाहर बैठना पड़ सकता है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पृथ्वी शॉ का टीम में आना किस प्लेयर को बाहर लेकर जाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।